हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन अलग अलग सेल के लिए कैसे यूज करते हैं, फिर नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और लास्ट में जो है हमारा केसी के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन जो है ये हमें दो बातें स्टडी करने में मदद करती है। एक तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है सेल के पोटेंशियल पे, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आप मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी, जिसमें हमारी कोई मेटल है M, मान लिया वो मेटल जो है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाती है Mn पॉजिटिव, क्या बनाती है Mn पॉजिटिव, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाती है। तो जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए आप एलिमेंट एक्स है, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी थी इसने, ई सेल बराबर है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन वन या एम बाई एम एन पॉजिटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेटल अगर प्योर होती है तो एम जो है उसकी कंसंट्रेशन को हम एक मान लेते हैं, ये बात हमने प्लस वन में पढ़ी थी। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि भी प्योर लिक्विड या सॉलिड हो तो उसके लिए जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए उसको हम एक मान लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में बदलते हैं तो वैल्यू होती है हमारी 2.303। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ एल एन की जगह पर हमारा लॉगरिथम हो गया, एम की जगह पे मैं एक पुट कर देता हूँ अपॉन में एम एन पॉजिटिव। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसमें जो आर है हमारा, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर जो होता हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी जो होता हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू आप याद रखेंगे 298 केल्विन होती है, एफ हमारा फैराडे, एक फेराडे की वैल्यू भाई हम पहले पढ़ चुके हैं 96,500 कूलम होती है, ठीक है। ई नोट वो आपको न्यूमेरिकल में देगा या फिर ई नोट हम निकाल भी सकते हैं। अच्छा, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू ज़रूर याद रखनी आपको आर की वैल्यू। तो जब आप आर पुट करोगे, टी पुट करोगे और एफ पुट करोगे, अच्छा एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन ए रिएक्शन मतलब है जैसे यहाँ पे रिएक्शन है, मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बनाएगा एक पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो लूज किया तो दो पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तीन किया तो तीन पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो ये हमारा एन है। जब आप आर टी और एफ की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो इक्वेशन बनती है हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉगरिथम 1 बाई एम एन पॉजिटिव, दिस इज आवर नर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल मोस्टली आ जाता है, एक न्यूमेरिकल हम साथ के साथ देख लेते हैं इसका, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए कॉपर वायर का, जिसको डिप किया गया है डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट, कॉपर वायर है कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है या डिप किया गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना भाई, 298 केल्विन का मतलब ही क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी ना 0.0591 डिवाइड बाई एन, ये 298 यूज करने के बाद आई है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। वो आपको पजल करना चाहता है कि बच्चे सोचे कि ये तो हमने 298 पुट किया था और इसने टेम्परेचर जो हो कितना दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया। आगे दिया इसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट। अब ये हमारे पास सारा कुछ है, इक्वेशन हमारे सामने है, ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन क्या है
अब कॉपर सल्फेट है भाई, किस में टूटा? कॉपर टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? कॉपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल हैं? दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो डिवाइड बाई टू लॉगरिथम वन बाई, अब कंसेंट्रेशन कितनी इसकी? 0.1, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसके नाम का ऊपर एक जीरो ले लूँ, तो क्या आ गया? लॉगरिथम 10, लॉगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ई सेल बराबर है ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना था भी हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट माइनस, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 0.02 × 4, 2 × 18 और 2 × 5 = 10, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.31045 वोल्ट। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या आ गया भाई, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया कॉपर वायर का, किसका आ गया? कॉपर वायर का, आ जाएगा समझ में। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अब की बार दे दिया उसने जिंक रोड, कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह पे उसने क्या दे दिया? जिंक सल्फेट दे दिया, टेम्परेचर हमारा सेम है, लेकिन उसने एक बात बोल दी कि जो साल्ट है ना वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है, वो कितने डिसोसिएट हुआ है? 95% डिसोसिएट हुआ है, और जो ई नोट वैल्यू दे रखी है उसने जिंक के लिए वो दे रखी है 0.76 वोल्ट, जिंक की वैल्यू 0.76 वोल्ट माइनस में है। तो आपसे क्या पूछ लिया भाई, उसने वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तरीका हमारा वही, सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉगरिथम 1/ एम एन पॉजिटिव, कंसंट्रेशन उसने सेम दी है, वही लॉग 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.1 पुट नहीं किए कर सकते, क्यों? क्योंकि साल्ट पूरा नहीं टूटा है, साल्ट कितना टूटा है? 95%, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा? 95/100 × 0.1 करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, तो वैल्यू पुट होगी तो कैसे होगी? लॉगरिथम 1 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं लॉगरिथम 1 बाई 0.095, इसके नाम की भाई 3 डेसिमल में ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ऐसे 95, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा? लॉगरिथम 1000 माइनस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा भाई लॉगरिथम 95, क्यों हो गया भाई? आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता होगा भाई, लॉगरिथम m बाई n जब ओपन किया जाता है तो कैसे ओपन होता है? लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n, तो m हो गया हमारा 1000 और n हो गया हमारा 95। लॉगरिथम 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 10³, लॉगरिथम 10³ माइनस लॉगरिथम 95। अब आपको पता है लॉगरिथम में पावर आगे आ जाती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 log 10 माइनस लॉगरिथम 95। अब लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, लॉगरिथम 95 की वैल्यू 1.977 होती है, तो क्या लिखता हूँ? 3.1.977। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, ई नोट की वैल्यू कितनी थी हमारी? माइनस का 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि क्या था हमारा? जिंक सल्फेट था, ये भी जिंक 2 पॉजिटिव में टूटेगा, हो गया। इसको हमने सोल्व किया भाई 3 − 1.977, तो ये लगभग आ जाएगा भाई 1.032। इसको आप सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी लगभग इसकी माइनस का 0.79021 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या सोल्व कर सकते हो भाई? इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए भाई, वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड करके स्टेप एक बार दोबारा देख लेना, आपको सारी बातें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नर्नेस्ट इक्वेशन, लेकिन अब की बार क्या देगा वो? नर्नेस्ट इक्वेशन देखना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। अब की बार वो अलग अलग सेल देगा, जैसे एक जिंक सेल दे दिया, कॉपर सेल दे दिया, अब तक तो क्या था? ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 / n लॉगरिथम 1 / mn पॉजिटिव। अब की बार वो 2 अलग अलग सेल देगा, तो हमने एक बात का पता है भाई, ई नोट सेल किसके बराबर होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है।
अब जिंक के लिए हमने रिएक्शन पढ़ रखी है, एन नोड की तरह करेगा, जेड एन टू पॉजिटिव बनाएगा। कॉपर के लिए हमने पढ़ रखी है भाई, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बनाएगा। तो जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे ना, तो जो लास्ट में रिलेशन आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ये रिलेशन पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ई सेल हमारा किसके बराबर होगा, ई नोट सेल माइनस वही हमारा आर टी वाई। एन एफ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, टू एफ, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और एल एन जेड एन टू पॉजिटिव वाई, कॉपर टू पॉजिटिव। अब आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, ऊपर है जिंक, जिंक आपको पता है किसकी तरह करता था एनोड, कॉपर किसकी तरह करता था कैथोड। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए और आसान तरीका आ गया हमारा, ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन एनोड बाई कैथोड। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो भी कंसंट्रेशन गिवन हो एनोड की और जो भी कंसंट्रेशन गिवन हो कैथोड की, वो वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। इसको चाहो तो आगे सोल्व भी कर लेना भाई, और आगे ई सेल बराबर है वही ई नोट सेल, आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 था, टी हमारा 298 था, डिवाइड बाई 2 है, तो इसको सोल्व करने पर आता हमारा 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉगरिथम वही एनोड बाई कैथोड। तो इस प्रकार से किसके लिए आ जाता है, अलग अलग सेल जब हमारे यूज हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भी हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन सेल। क्या होता है भाई कंसंट्रेशन सेल, नाम से ही पता चल रहा है, वो सेल जिसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होंगे वो सेम मटेरियल के होंगे, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। कैसे, समझो इस बात को, जैसे ये हमारे पास कोई है, ये हमारा बीच में एक पोरस पार्टीशन है, ये इलेक्ट्रोड एक यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड एक यहाँ है, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रोड यूज होंगे ना, ये दोनों का मटेरियल होगा सेम, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे उन दोनों की कंसंट्रेशन अलग। मान लिया इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या है C2, तो कंसंट्रेशन सेल को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, द टाइप ऑफ सेल इन विच आइदर ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन देम इज डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। तो इसके लिए इक्वेशन आ जाती है हमारी, ई सेल बराबर है 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉगरिथम C1 बाई C2, ठीक है, C1 बाई C2 नहीं, C2 बाई C1 कंडीशन है यहाँ पे। जो C2 है वो कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगी, तो जो C2 है वो ग्रेटर होगी किससे, C1। तो ई सेल हमारा कैसे निकलेगा, 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉगरिथम C2 बाई C1 कर लोगे। इसके बाद भी एक दो न्यूमेरिकल और है, वो न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे आपसे सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, जब कोई रिएक्शन होती है तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो दोनों एक टाइम पर आकर के इक्वल हो जाते हैं, तो जो ई सेल की वैल्यू है हमारी वो जीरो हो जाती है, जो उसका ई सेल है वो क्या हो जाता है, जीरो। मतलब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ रिडक्शन पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मान लिया ये हमारी रिएक्शन हो रही थी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये था हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये घटता घटता यहाँ आ जाएगा और ये बढ़ता बढ़ता यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको ताकि इक्वल सा दिखे हमारा ये। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों की वैल्यू यहाँ पर आकर के सेम हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पर जो हमारा ई सेल है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं हम इसके लिए, ऊपर वाले हमारी रिडक्शन हाफ सेल होगी, पहले भी पढ़ा था हमने भी रिडक्शन हाफ सेल, और नीचे वाली होगी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, जीरो। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या थी भाई हमारी, मान लिया रिएक्शन थी हमारी जेड एन प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये साइन बनाएंगे भी इसका, बनाएगा जेड एन टू पॉजिटिव प्लस कॉपर।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से डिनोट कर सकते हैं। तो केसी हमारा किसके बराबर होगा, जेड एन टू पॉजिटिव बाई कॉपर टू पॉजिटिव। अब आपको कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो वैल्यू, ये सेल किसके बराबर था, इनोट सेल माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन जेड एन टू पॉजिटिव बाई कॉपर टू पॉजिटिव। अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन हुआ तो यहाँ पर जेड एन टू पॉजिटिव बाई कॉपर टू पॉजिटिव की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, केसी। तो रिलेशन हमारा क्या पुट हो जाएगा, ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन केसी। अब भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मैंने बोला था ई सेल भी क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे, ई नोट सेल को यहीं रख लो, बराबर है इसको इस साइड ले आओ, ये माइनस था इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस आर टी बाई टू एफ, ये एल एन हमारा एज इट इज रहेगा। अब नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में बदलें तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.303। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ई नोट सेल बराबर है 2.303 आर टी बाई टू एफ और लॉगरिथम के सी। लॉगरिथम क्यों होगा भाई, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में बदलेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 2.303। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमें याद हो रखी है, ई नोट सेल बराबर है 0.0591 डिवाइड बाई टू लॉगरिथम के सी। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बीच में, किससे, नरनेस्टे इक्वेशन से। तो यहाँ से भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, आ जाएगा समझ में। फिर भी कोई डाउट हो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, कमेंट करके ना पूछ पाओ तो क्लास में भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आपको ऑनलाइन करा दिया है तो आप क्लास में नहीं पूछ सकते या कहीं पर नहीं पूछ सकते, कहीं पर भी आप उसको पूछ सकते हो। लास्ट टॉपिक है भाई हमारा इस यूनिट का, गिब्स फ्री एनर्जी। हालांकि इसके बाद एक कोरोजन बसता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में आ जाएगा हमारा। आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक बसता हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, मेरे पास जितनी टोटल एनर्जी है, सपोज कीजिए मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी है, उस 100 में से 50 किलो जूल एनर्जी जो है वो काम में कन्वर्ट हुई, यानी 50 क्या होगी, वेस्ट होगी। तो जो यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसमें काम, जो काम में आई है, 50 किलो जूल की जगह वो 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। तो जो यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को क्या बोला जाता है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। सपोज कीजिए भाई किसी की इनिशियल एनर्जी थी जीआई या जीवन, ये क्या थी उसकी, इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी, इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी। फाइनल एनर्जी थी उसकी भाई जीएफ या फिर जी2, ये थी उसकी फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमें चेंज निकालना है तो डेल्टा जी कैसे निकालोगे, फाइनल जो एनर्जी है माइनस में इनिशियल, इसको क्या लिखोगे, जी2 माइनस का जी1, ये क्या आ गई हमारी इसकी डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है। और लास्ट अभी रिलेशन पूछ लिया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इसके अंदर हम तीन बातें पढ़ेंगे भाई, रिलेशन क्या है कैसे यूज होगा, न्यूमेरिकल में कहाँ यूज होगा। हमने एक बात पढ़ रखी है भाई, अगर कोई सिस्टम और उस सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो डेल्टा जी बढ़ेगा या घटेगा, कैसे। अब सपोज करो इस मार्कर को आप एक सिस्टम मान लो, इसकी इनिशियल एनर्जी थी भी मान लिया जी1, क्या थी जी1, मैंने इसके ऊपर काम किया, इसको एनर्जी दी, तो अब इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, ऑन द सिस्टम काम हो रहा है, ऑन द सिस्टम काम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दूसरा,
अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब है ये सिस्टम था, अब हम इसको एनर्जी दे नहीं रहे, ये सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है सराउंडिंग को, तो इसकी जो नेट एनर्जी वो बढ़ेगी या घटेगी, सीधी सी बात है। वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो अपने आप होते हैं या जो फिजिबल रिएक्शन होती हैं, उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है हमारी, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। और तीसरा, अगर सेल को हम एक्सटर्नल सर्किट में यूज करते हैं, इफ सेल इज यूज इन ए एक्सटर्नल सर्किट, अब क्या होगा भाई, जो सेल है वो फुली चार्ज था, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम था, फिर हमने क्या किया, उसको एक्सटर्नल सर्किट में यूज किया, तो उसका पोटेंशियल लगातार क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो डेल्टा जी है, माइनस डेल्टा जी है, वो हम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी यूज्ड इन सर्किट, एक्सटर्नल एनर्जी यूज्ड इन ए सर्किट, कि सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी यूज हो रही है, मल्टीप्लाई बाई चार्ज गिवन बाई द सेल, वो सेल जो है वो कितना चार्ज दे रहा है गिवन बाई सेल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ईएमएफ ऑफ सेल से, किसे, ईएमएफ ऑफ सेल से। अब देखो, एक्सटर्नल सर्किट में जो यूज हो रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी यूज हो रही है, उसको मान लिया भाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इन टू में, जो चार्ज सेल दे रहा है वो मान लिया एफ जो है वो चार्ज दे रहा है, और जो ईएमएफ एफ सेल का वो क्या है, ई नोट सेल है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, माइनस डेल्टा जी बराबर है एन एफ ई नोट सेल, माइनस साइन को इस तरफ ले जाऊं तो डेल्टा जी किसके बराबर आ गया हमारा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो कई बार न्यूमेरिकल में गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछ लेता है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पता है, कॉपर होगा तो दो है, सिल्वर होगा तो प्लस वन है, इस प्रकार से एफ की वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलम, ई नोट वो जो है आपको न्यूमेरिकल के अंदर देगा, ठीक है। अब रिलेशन आ जाता है डेल्टा जी और के सी में, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी, डेल्टा जी क्या था भाई हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी, और के सी क्या था भाई हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक इक्वेशन आई थी भाई हमारी, ई सेल, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, किसके लिए थी ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए थी, ठीक है। अब जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो इक्वेशन वन में पुट करो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, ई नोट सेल की वैल्यू जब ये जीरो था तो क्या होगा था, प्लस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, तो यहाँ पर ई नोट सेल की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, ई सेल जीरो होगा तो ई नोट सेल जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। तो ये जो ई नोट सेल की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो डेल्टा जी या यहाँ पुट कर लो बराबर माइनस एन एफ इन टू ई नोट सेल की जगह क्या पुट कर देंगे, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, एन एफ से एन एफ का अब नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में बदलो तो वैल्यू 2.30 थी, तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, माइनस का 2.303 आर टी लॉगरिथम के सी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया भी किसके बीच में, डेल्टा जी और के सी के बीच में। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, के सी क्यों निकाला जाता है, तो के सी क्या बताता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन कितनी होगी, कंप्लीट होगी, हाफ होगी या आपसे कम होगी, वो हमें उसके बारे में बताता है, ठीक है। अगर वैल्यू कितनी आती है, के सी की वैल्यू आती है 2×10⁻⁷। तो इसका मतलब होगा कि जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, इससे कम है तो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो के सी है वो हमें किसके बारे में बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, लास्ट एक टॉपिक बच गया हमारा कोरोजन, और उसी में हम साथ में न्यूमेरिकल करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी उसके, और एक दो न्यूमेरिकल और नेक्स्ट इक्वेशन का। तो कल हमारी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी,
आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अपनी स्टडी के साथ। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।